हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश. स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर, जहां पर आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव कर रहे हो, इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद और फैंटास्टिक होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है. ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुड बी. कल में हमने कुड के हमने सेंटेंस बना लिए थे. ओके, हमने बताया था, प्रैक्टिस भी की थी कुड की. तो आज की क्लास कुड बी की क्लास रहेगी, लेकिन साथ ही साथ कुड बी से पहले मैं कुड का एक और मैं आपके बीच में कॉन्सेप्ट लाया हूँ. कुड का उपयोग एक जगह और हम करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो या चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है. आप अगर अच्छा लगे तो आप यूज़ करना, वरना नहीं करना. एक्चुअली आजकल ये लिखते हो, Could you give me a pen? Could you give me a pen? ये सेंटेंस मैंने लिखा है could के लिए आपको. Could you give me a pen? क्या आप मुझे पेन दे सके? आप यही बोलोगे, क्या आप मुझे पेन दे सके, बोलोगे ना? Yes, यही होगा. लेकिन एक सेंसिबल में आजकल कुछ अमेरिकन लोग कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, अमेरिकन वे इसमें देगा का सेंस आ गया. कुट की जगह यहाँ, मतलब पहले यहाँ बिल का यूज़ करना था, यहाँ कुट का यूज़ करने लगा. तो कुड यू गिव मी पेन, क्या मुझे पेन दे सके, या फिर इसका मतलब होगा क्या आप मुझे एक पेन दोगे, क्या आप मुझे एक पेन दोगे, इसका ये मतलब भी हो सकता है. कुड यू, या फिर ये तो होगा ही विल यू गिव मी अ पेन. ये थोड़ा एडवांस वालों के लिए, ये आप समझना हो तो समझ सकते हो इजीली. विल यू गिव मी अ पेन, ये भी सही है, ठीक है. कुड यू गिव मी अ पेन, तो दे सके या दे सकते थे, एक और सेंस निकलेगा क्या आप मुझे पेन दोगे. तो किसी आस्किंग के तौर पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, किसी को पूछने के लिए. कुड यू गिव मी अ पेन, कुड यू गिव मी समथिंग, मोबाइल फ़ोन, कुड यू मेक अ कॉल, ऐसा हम बोल सकते हैं. कुड का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड, आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं. तो ये छोटा सा जर्रा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है. तो चलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और यह क्लास आई होप आपके लिए उपयोगी हो. पता नहीं क्यों आजकल आप लोग क्लास नहीं देख रहे हो, लाइव क्लास में आ रहे हो. आज हमने लाइव क्लास भी की थी मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में तो 4-6 लोग जुड़ ही जाते हैं, इसमें तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, आप बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कुड बी. क्या पढ़ेंगे आज हम? कुड बी. आज हम कुड बी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज हम? पढ़ेंगे कुड बी. अब कुड बी का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ होता है यूज़, कुड बी का मतलब क्या, पहचान क्या होती है. तो सबसे पहले हम बात करें पहचान की. किसकी बात करें हम? पहचान की. सबसे पहले किसकी हम बात कर लेते हैं? पहचान की बात कर लेते हैं. तो इसमें क्या बन सकता, हर बार की तरह है, बन सकता था बन सकती थी बन सकते थे, या फिर बन सका या फिर हो सका, बन सका या हो सका, बन सका या
हो सका या हो सकी, हो सके, आज पूरा लिख देता हूँ, हो सके, बन सकी और बन सके एक लिख लो, बन सके, ठीक है। तो आज मैंने सारी की सारी पहचान इकट्ठी लिख दी, देख लो सेंटेंस की आखिरी में जहाँ या पर बन सकता आ जाए, बन सकती थी आ जाए, बन सकते थे आ जाए, बन सकता था आ जाए, बन सकती थी आ जाए, बन सकते थे आ जाए, या फिर बन सकता आ जाए, बन सका आ जाए, यहाँ या हो सका आ जाए, हो सकी आ जाए, हो सकी आ जाए, बन सकी आ जाए, बन सकी आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में। तो आप समझ लेना कि यह सेंटेंस किससे बनेगा, कुड बी से बनेगा, ठीक है। तो ये कुड बी का जो हम पढ़ रहे हैं, कुड बी का बन सकना हो सकना वाला का, बन सकना और हो सकना, बन सका हो सका, बन सका हो सका, ठीक है। तो यह कुड बी में होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हैं क्या, एक बार देख लो, बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे, बन सका, बन सकी, बन सके, हो सका, हो सकी, हो सके, ऐसा हो सकते है, ठीक है, या हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसा भी होगा, लिख दें क्या, चलो लिख लो, आप लिख लोगे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होगे, आई होप ये इस वीडियो इस इतना तो समझ गए होगे, ठीक है। तो पहचान क्या, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ आएगा, लास्ट सेंटेंस के, सेंटेंस के कहाँ कब आएगा, सेंटेंस के कब यूज होगा, लास्ट में देखना पहचान, किस में, लास्ट में। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं, बोर्ड पर ध्यान देना, ओके, कि वह जागरूक बन सका, जागरूक बन सका, हम ईमान, हम ईमानदार हो सकते थे, हम ईमानदार हो सकते थे, या हो सके नहीं लिखा, ठीक है, हो सके, हो सकते थे भी आ सकता है, ठीक है, चलो लिख दो, ना तो आप बोलोगे लिखा नहीं है, हो सकते थे, हो सकती थी, क्या, हो सकती थी, हो सकते थे, हो सकती थी, हो सकते थे, हो सकती थी, ठीक है। तो वह ईमानदार बन सकता था, ही हम ईमानदार हो सकते थे, तुम क्या, हु, तुम आत्मनिर्भर, तुम आत्मनिर्भर बन सकते थे, क्या बन सकते थे, आत्मनिर्भर बन सकते थे, ठीक है। निशा, निशा इंजीनियर हो सकती थी, ठीक है, निशा क्या हो सकती थी, इंजीनियर हो सकती थी, क्या है, तो निशा क्या हो सकती थी, इंजीनियर हो सकती थी, ऐसा भी होगा। आप हम देर से ही बना सकते, तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे घर में मोबाइल हो सकता था, बना सकते हैं, बनाओ, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे घर में मोबाइल हो सकता था, तुम्हारे घर में मोबाइल हो सकता था, मतलब देयर कुड बी मोबाइल इन योर होम। तो आगे समझ में, वह जागरूक हो सकता था, हो सका, हम ईमानदार हो सके, तुम आत्मनिर्भर बन सके, निशा इंजीनियर हो सकी, तुम्हारे घर में मोबाइल हो सका या हो सकता था। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, अगर आपको इतना क्लियर है तो आपका स्क्रीन शॉट ले लें, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीन शॉट, ओके। तो आया समझ में, आई होप आपको
थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना सारा मैंने कहानी बताई, ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो आप रिपीट कर लेना, आए समझे, ओके गुड। तो हम फिर आगे चलते, इसको मैं मिटा दूँ क्या, चलो मैं मिटाना पड़ते। तो इसकी अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमने कैन की बात करी थी, कैन कैन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या बनेंगे, एक दियर वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है, और एक बनाएंगे कैन वाले, आसान वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप चूज करना है कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर हम बताएंगे, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लें अपन, यहाँ बनाएंगे हम कुड वाले और यहाँ देयर वाले स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। अब देयर में अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो को एक लॉन्ग टर्म बताऊँ, लेकिन आपको एक ही बात में समझ में आ जाए, और आपने देयर के बहुत पढ़े हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले बनाओ, कौन से बनाओ स्ट्रक्चर, पहले बनाओ यहाँ पर, पहला कुड को बना लो, कुड वी वाले सिंपल वाले, ठीक है। यहाँ हम देयर वाले बनाएंगे, कौन से बनाएंगे, देयर वाले बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हर बार की तरह क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ऐसी हर बार की तरह क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस बी और नाउन एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता है, आपको पता है कि कुड और बी के बीच में नॉट लगता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, कुड बनाएंगे प्लस सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस बी बनाएंगे और नाउन एडजेक्टिव बना देंगे। ऐसे एक और बना लो, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इंटरोगेटिव में जो सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस है, वो किसके बीच में नॉट आएगा, सब्जेक्ट, और इसके बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड में, ऐसे क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा, कुड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बी आएगा और नाउन एडजेक्टिव हम हर बार की तरह हम बना लेते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला जो सिक्स वाला सेंटेंस है, क्या बनाए, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बी प्लस नाउन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ भी नॉट कहाँ लगेगा, इसमें भी यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये छह पर, ये एक एक टाइप के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, और क्वेश्चन वर्ड कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो ये एक टाइप के स्ट्रक्चर होगा, ये क्या हो गया आपका, टाइप वन हो गया, ये होगा टाइप वन। मैं देयर वाला इसलिए कर रहा हूँ कि अपन इसके भी, देयर के भी हम बना लें, क्या बना लें, देयर का भी क्यूड में, कुड बी में यूज़ कर लें, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो बना लें। और अगर लेट वाला अभी भी अगर को करना हो तो प्रैक्टिस आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो लेट वाला भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब मैं यहाँ का यूज़ कर रहा हूँ, क्या आएगा, पहला आएगा इसमें देयर आता है प्लस कुड आएगा प्लस बी आएगा, क्या आएगा, देयर प्लस कुड प्लस बी प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, क्या आएगा, देयर प्लस कुड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड भी आ जाएगा, क्योंकि अदर वर्ड इसमें जरूरी है। अदर वर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि इन में, उन में, किन में, टिन में, ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे, इसलिए अदर वर्ड में भी प्रपोजिशन वगैरह इसमें आ जाती हैं, ठीक है, क्या आ जाती है, प्रपोजिशन आ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट है इसके आगे आ जाए, क्यों, जैसे कि शक्कर में, मतलब बोल सकते चाय में शक्कर हो सकती थी, क्या हो सकती, शक्कर हो सकती थी, मतलब देयर कैन, देयर कुड बी शुगर एंड टी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर नाउन, अगर सब्जेक्ट, ये नाउन एडजेक्टिव नहीं लगाना तो अपन डायरेक्ट क्या कर दें, यहाँ पर अदर वर्ड कर दो, ठीक है, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है, नाउन एडजेक्टिव आसान है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट बनाते हैं, देयर प्लस कुड प्लस नॉट, क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस बी प्लस सब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड कर दो, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना किसके बीच में लगेगा, इसमें नॉट आई कोड और बी के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। और कभी ऐसा नहीं कर देना कि कोड प्लस बी और प्लस ऐसा नॉट लगा दो, तो ये आपका गलत माना जाएगा, 100% गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, कैसे चलते हैं, इंटीग्रेटर में चलते हैं, कोड प्लस देयर, क्या कोड प्लस देयर, कोड प्लस देयर और कोड प्लस देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्ट। तो ध्यान रखना इसमें जो देयर वाला स्ट्रक्चर होगा, देयर वाले में क्या आएगा, बी कहाँ आएगा, बीच में क्या आएगा, बीच में हाँ देयर आएगा, ठीक है, बीच में इसमें क्या आता है, देयर आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, कोड प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखो यहाँ जो नॉट लगेगा आपका, ये कहाँ लगेगा, देयर प्लस नॉट और प्लस बी के बीच में, देयर और बी के बीच में नॉट लगेगा। इसमें सब इसमें क्या लग रहा, यहाँ लग रहा। ऐसे फोर्थ स्ट्रक्चर देख लो, सॉरी फिफ्थ देख लो, फिफ्थ क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस देयर, सॉरी यहाँ कोड आएगा, प्लस देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी मैं वही हाईलाइट कर दूँ, बीच में क्या आएगा, देयर आएगी ना कि सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हालांकि आप ये बना सकते हो सेंटेंस आसानी से, लेकिन मैं फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो कर दो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कन्फ्यूज नहीं होना लेकिन, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी कहा क्या आएगा, इसमें वही आएगा। तो आया समझ में आपको, आई होप दो प्रकार के स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, हमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना, जो देयर से अलग बनेगा और इससे अलग बनेगा। तो ऐसा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो देयर से ही बन जाएंगे, इससे ही बन जाएंगे, दोनों प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, दोनों प्रकार से सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको आई होप ये स्ट्रक्चर भी क्लियर होंगे होंगे और ये भी क्लियर होंगे। तो हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे, जो हम वाक्य बनाएंगे, वो हम दोनों प्रकार से बनाएंगे, देयर में बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या देयर वाला भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे देयर कुड बी, देयर कुड बी स्नैक इन होम, घर में सांप हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था यहाँ सांप हो, बोल सकते हैं ना, हो सकता था कि वहाँ कुछ ऐसा हो गया हो, मतलब कुछ ऐसा हो, तो सकता था, सकती थी, सकते थे, तो इनमें उनमें इनमें। और ध्यान रखना ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये क्या है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको करना हो तो आप कर सकते हो, वरना ये तो जिंदाबाद है ना, तो इसमें ही बना सकते हैं, घर में सांप हो सकता था, स्नैक कुड बी इन होम, ऐसे ही बना सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूँ क्या, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ ऐसा कोई यूट्यूब पर बताएगा ना इस प्रकार से, कोई नहीं समझा, इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा। ज़्यादातर क्या देखते हैं वीडियोस में, सेंटेंसेस का मतलब, सेंटेंसेस का मतलब, लेकिन मेरा है लर्निंग, सिखाना, सिखाना और रटाना बहुत अंतर है। तो मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप यहीं सीख सकते हो, ठीक है। कहीं वीडियो छोड़कर नहीं भागना, बने रहना, ठीक है। तो इसको मैं क्या मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओके। आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो मिटाते हैं, फिर हम बनाते हैं सेंटेंसेस, एक बनाएंगे आसान वाला, एक बनाएंगे कठिन वाला, ठीक है, देर वाला, जो कन्फ्यूज़न ना हो भाई, क्योंकि कन्फ्यूजन, ठीक, कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ठीक है। थ्री इडियट्स आपने, आई होप आपने मूवी देखी थी, थ्री इडियट्स बोलते हैं ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, आप सॉल्यूशन मिला तो साल क्वेश्चन का पता नहीं। तो यह इसमें कन्फ्यूजन है, इसे दो प्रकार से बनाएंगे, इसमें देर से ही बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आसान देखते हैं, क्या देखते हैं, आसान देखते हैं, ये बोल सकते हैं कि वह नाराज हो सकता था,
ठीक है, सकता था आपको बनाना है, सका सकी, आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, एक सेंटेंस में एक एक टाइम से या एक प्रकार के सेंटेंस में आपको कम से कम आपको बहुत बहुत कम से कम 10-20 सेंटेंस बनाना पड़ेगा उसी टाइप की, तब आएगा समझ में। वह नाराज हो सकता था, मतलब ही कुड बी क्या था, एंग्री, बना सकते हैं, वह नाराज नहीं हो सकता था, वह नाराज नहीं हो सकता था, या वह नाराज नहीं हो सका, अकॉर्डिंग टू द सेंस, ही कुड नॉट बी एंग्री, क्या वो नाराज हो सकता था, क्या वह नाराज हो सकता था, क्या नाराज, क्या वह नाराज हो सकता था, बोल सकते क्या वो नाराज हो सकता था, क्या बनाएंगे, कुड ही बी एंग्री, सॉरी यहां पर ये करना, कुड ही बी एंग्री, क्या वह नाराज नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, नाराज, क्या वह नाराज, क्या नाराज, क्या वह नाराज नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्या आएगा, कुड ही नॉट बी एंग्री, भाई नाराज कब हो सकता था, वह नाराज कब हो सकता था, बनाओ कब हो सकता था, कैसे बनाएंगे, कब, व्हेन कुड ही बी एंग्री, व्हेन कुड ही बी एंग्री, भाई नाराज कब नहीं हो सकता था, वह नाराज कब नहीं हो सकता था, वह नाराज कब नहीं हो सकता था, क्या हो नहीं हो सकता था, कहेगा when could he not be angry, ऐसा आप बनाएंगे, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा आप बनाओगे, तो ध्यान से देखो बोर्ड पर देखो, कुड के बीच में नॉट लगा है, लगा है कि नहीं, मैंने बोला था सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या प्रोनाउन है, तो ही के बीच में लगा है, यहाँ ही और इसके बीच में लगा है, ठीक है, यहाँ देख लो है कुड और ही के बीच में, बी कहाँ लगा, कुड और ही के बीच में लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा, ऐसे इसमें देख लो, ऐसे ही इसमें देख लो, तो है ना ऐसे, तो इसके हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ऐसे अब आप देर वाले बना लेते, कहीं नहीं भागना, देर वाले कैसे बनेंगे, देर वाले कैसे बनाओगे, घर में सांप हो सकता था, क्या हो सकता था, सांप, अगर देर वाले अगर कंफ्यूजन हो तो आप कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट ढूंढना है, इनमें हो सकता था, घर के ऊपर छत पर लोग हो सकते थे, तो क्या करना, क्या आप ये पूछना क्या घर में क्या हो सकता था, तो आपको आंसर मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या हो सकता था, सांप हो सकता है, मतलब सांप क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो घर में सांप हो सकता था, देर से बनाए बनाए, घर में सांप हो सकता था, क्या हो सकता था, सांप हो सकता, सांप कैसा, ऐसा सवाल रहता ना ऐसा, घर में स्नेक हो सकता सांप, तो ध्यान रखना किसमें क्या हो सकता था, तो आपको अगर अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या पहले क्या हो सकता, सांप हो सकता, किन में क्या, किन में कन्फ्यूज होते स्टूडेंट, घर में सांप हो सकता, छत पर लोग हो सकते थे, दीवार पर छिपकली हो सकती थी, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप इसमें क्या पूछना तो उसका सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, तो घर में सांप हो सकता था, तो हम एक टाइप देयर वाले से बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स क्या है, देयर प्लस कुड प्लस बी, मैंने प्लस क्यों लगा दी, प्लस नहीं लगाना, सॉरी, देयर, देयर के बाद क्या है, कुड बी क्या हो सकता था, स्नेक, ऐसे स्पेलिंग है, एस एन ई की, देयर कुड बी, देयर कुड बी स्नेक इन, कहाँ, घर में है ना,
होम। ये घर में कुत्ता हो सकता था, कुत्ता लिखो, सांप मजा नहीं यार, कुत्ता लिख रहा है हम तो, कुत्ता। घर में क्या हो सकता था, कुत्ता हो सकता था, देयर कुड बी डॉग इन होम। घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, कुत्ता, डॉग, डॉग। तो घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, तो कहेगा देयर कुड नॉट बी डॉग इन होम, देयर कुड नॉट बी डॉग इन होम। क्या घर में कुत्ता हो सकता था, क्या घर में कुत्ता हो सकता था, कुत्ता, कुत्ता हो सकता था, बताओ क्या आएगा, कुड देयर बी डॉग इन होम। क्या घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, क्या घर में क्या नहीं हो सकता था, कुत्ता, काम छोटे की मत कु आदि तामे तामे आखि में तत्ता, हमने ऐसे पढ़ते थे। क्या घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, क्या हो सकता था, कुत्ता। आजकल घर में कुत्ते मतलब शहरों में तो बहुत सारे पालते हैं लोग, आदत है, नो मिस्टेक। तो कुड देयर नॉट बी डॉग इन होम, कुड देयर नॉट बी डॉग इन होम। क्या घर में कुत्ता, घर में कुत्ता कब हो सकता था भाई, कुत्ता कब मतलब व्हेन, कुड व्हेन नहीं यार, यहाँ कब का कहाँ कर लो यहाँ पे, ठीक है मज़ा नहीं आ रहा। घर में कुत्ता कहाँ हो सकता था, कहाँ कहाँ रहता है कुत्ता, तो वेयर कुड देयर बी डॉग इन होम, घर में कुत्ता कहाँ नहीं हो सकता था, कहाँ नहीं हो सकता था, हो सकता बिस्तर पर तो हो नहीं सकता था जहाँ अपन सोते हैं, वेयर कुड देयर नॉट बी डॉग इन होम। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने, पूरा बोर्ड भर गया ना पूरा बोर्ड भर गया। तो घर में कुत्ता हो सकता था, देयर से बनाएंगे तो देयर कुड बी डॉग इन होम, घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, देख लो कहाँ लगा है, कुड नॉट के बीच में। क्या घर में कुत्ता हो सकता था, देयर कहाँ आएगा, मैंने बोला था ना कुड और बी के बीच में देयर आएगा, सब्जेक्ट ये है डॉग, ये ध्यान रखना ये डॉग सब्जेक्ट है, ये डॉग क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या घर में कुत्ता नहीं हो सकता था, कुड देयर नॉट डॉग बी इन होम। घर में कुत्ता कहाँ हो सकता था, देयर कुड देयर बी डॉग इन होम, घर में कुत्ता कहाँ नहीं हो सकता था, वेयर कुड देयर नॉट बी डॉग इन होम। पेन गिर गया, हर बार गिरता, हर वीडियो में गिरता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये देयर कुड बी आई, मुझे नहीं लगता कि कोई ने इतनी डिटेल से इतनी प्रकार से देयर में इसमें आपको कुड बी हैव के ऐसे सेंटेंस आपको पढ़ाए होंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो, इंग्लिश लर्निंग सीखना चाहते हो, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर आपका, बहुत 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 गहराई से काम हो रहा है इस पर, बहुत गहराई से मैं सर्च करके आपके लिए मैं लाता हूँ ऐसे वाली सेंटेंस, ओके। तो आज की क्लास थी, प्रैक्टिस करनी है क्या, आप कर लेना। तो आपको क्लास कैसे लगी, यू कैन टेल मी कमेंट बॉक्स, और आपको इसके सेंटेंस आपको बना लेने हैं, 10-15-20 सेंटेंस बनाओ, क्योंकि इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, क्या हो जाए, अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, तभी से इसके प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई शक हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर
आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप, मेरा नंबर भी है, मेरा नंबर हर जगह शेयर करता हूँ, 6264360776। तो आप इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई रिव्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश स्पोकन बैच 100% फ्री है, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने जो चाहने वाले हैं उनको भी शेयर करें, ताकि वो अंग्रेजी सीख सके, क्योंकि बिना अंग्रेजी के जो दुनिया है वो नहीं चलेगी। क्योंकि हमें अगर दुनिया के साथ चलना है तो आपको अंग्रेज़ी सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर कोई वर्कर हो, कोई भी हो, तो वो समझते हैं कि बिना इंग्लिश के संभव नहीं है, दुनिया के साथ चलना है तो अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।